नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वोकल न्यूज और मैं आपके साथ हूं प्रवीण मिश्रा। अमेरिका ने अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहरी को मार गिराने का दावा किया है। उस पर 25 मिलियन डॉलर यानी 197 करोड़ का इनाम रखा गया था। जवाहरी अमेरिका में मुजारेक में हुए आतंकी हमले की रणनीति बनाने वालों में शामिल था। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों में से एक अयमान अल जवाहरी मिस्र का सर्जन था, जिसे अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड बताया था। इस हमले में 3000 लोग मारे गए थे। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक अल जवाहरी ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अलकायदा का प्रमुख बन गया था। 2001 के हमलों के बाद से अमेरिका की हिट लिस्ट में शामिल जवाहरी पर 25 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित किया गया था। हालांकि लंबे समय तक जवाहरी अमेरिकी सेना की पहुंच से दूर बना रहा, तो वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अल जवाहरी के मारे जाने को अमेरिकी लोगों के साथ इंसाफ करार दिया है। 71 साल के जवाहरी को लेकर दुनिया भर में रहस्य बना हुआ था। 2 साल पहले 2020 के अंत में एक ऐसी अफवाह फैली कि अल जवाहरी की बीमारी की वजह से मौत हो गई है। हालांकि UN एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इस बात की पुष्टि भी की गई थी कि जवाहरी अफगानिस्तान में रह रहा है और वहां के लोगों से लगातार बातचीत और संवाद भी कर रहा है। अमरीकी सेना के अफगानिस्तान से वापस जाने के बाद से अमरीकी सेना का अफगानिस्तान में ये पहला हमला है। हालांकि अमरीकी अधिकारियों ने ये स्पष्ट नहीं किया कि अफगानिस्तान में हमला कहां हुआ था। अल जवाहरी के मारे जाने को अमेरिका के दावों का तालिबान ने खंडन कर दिया है। अफगान गृह मंत्रालय ने काबुल में ड्रोन हमले की सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली खबरों का खंडन किया है। तालिबान के मुताबिक काबुल में स्थित एक खाली घर पर रॉकेट दागा गया था, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शहर के शेरपुर इलाके में एक आवास पर हवाई हमला किया गया। उन्होंने कहा कि अफगानी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने घटना की जांच की है और अपनी प्रारंभिक जांच में पाया कि हमला अमरीकी ड्रोन द्वारा किया गया था। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए वोकल न्यूज के साथ।